नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लो कंट्रोल के बारे में। डेटा लिंक लेयर की अगर हम रिस्पांसिबिलिटी की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी होती है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, इसको इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम देखेंगे और साथ में इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होता है उस प्रोटोकॉल के बारे में भी आगे वाले लेक्चर में वन बाई वन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो कंट्रोल्स होते क्या हैं। फ्लो कंट्रोल इज ए सेट ऑफ प्रोसीडर दैट टेल्स द सेंडर हाउ मच डेटा इट कैन ट्रांसमिट बिफोर इट वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। समझिएगा कि अगर कोई कम्युनिकेशन चैनल है जहाँ पे कोई एक सेंडर है और एक आपका रिसीवर है, सपोज ये सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, ठीक है। सेंडर कोई डेटा आपको रिसीवर को सेंड करता है तो जाहिर सी बात है कोई मीडियम होगा जिस ट्रांसमिशन मीडियम से डेटा सेंड करता है। तो फ्लो कंट्रोल का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लो कंट्रोल यहाँ पे क्या काम करता है कि जब भी आपका कोई डेटा होगा यहाँ से सेंड हो रहा है तो उसके फ्लो को कंट्रोल करेगा। फ्लो कंट्रोल में क्या क्या चीज़ आएगा, पहला कि ये कितना डेटा यहाँ पे भेजेगा और डेटा भेजने के साथ रिसीवर उसको कितने डेटा रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि हाँ हमको डेटा मिल गया। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट का। तो डेटा यहाँ सेंड हुआ, ये एक्नॉलेजमेंट इसको भेजेगा कि हाँ डेटा हमारे पास रिसीव हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम, क्योंकि डेटा क्या क्या सेंड करेगा, फ्रेम वाइज फ्रेम सेंड करेगा क्योंकि डेटा लिंक लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है फ्लो कंट्रोल। तो यहाँ पे एक एक फ्रेम करके डेटा सेंड करेगा और यहाँ पे फ्रेम रिसीव होते ही ये एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकता है इसको कि हाँ मुझे फ्रेम मिल गया, आप नेक्स्ट फ्रेम सेंड करो। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसकी ये थी। दूसरा स्पीड मैचिंग मैकेनिज्म। एक और फ्लो कंट्रोल का यहाँ पे काम होता है कि सपोज इसकी स्पीड, सेंडर की स्पीड बहुत फास्ट स्पीड डेटा सेंड करने की, लेकिन रिसीवर जब क्या है एज कंपेयर इसके सेंडर के, उसकी स्पीड स्लो है रिसीव करने की डेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये फास्ट सेंड करता है और ये सेंडर रिसीव उसको स्लो करता है देन यहाँ पे क्या होता है, डेटा का लॉस होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए कि किस स्पीड से डेटा यहाँ पे जाएगा कि ये डेटा इसको करेक्टली रिसीव कर पाए। मतलब इनका सेंडिंग का और रिसीविंग का दोनों का स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जिस स्पीड से सेंडिंग का हो उसी स्पीड से रिसीविंग का हो। तो इसके बीच में जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है तो इनके बीच में एक म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट, रिसीवर मस्ट इन्फॉर्म सेंडर बिफोर द लिमिट आर रीच एंड रिक्वेस्ट दैट ट्रांसमीटर टू सेंड फ्यूअर फ्रेम आर स्टॉप टेम्पोरली। सपोज यहाँ से डेटा सेंड कर रहा है और इसके पास सपोज मेमोरी की कमी है और इसके पास मेमोरी फुल हो रही है तो क्या करेगा, तुरंत इसको इन्फॉर्मेशन देगा कि अब जो डेटा आप या तो कुछ कम फ्रेम सेंड करो या अभी टेम्परेरली आप उसको रोक दो, क्योंकि जो भी डेटा आएगा वो डेटा क्या होगा, लॉस होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेमोरी का फुल हो चुका है। तो ये कुछ काम है, कंट्रोलिंग है जो कि फ्लो कंट्रोल आपका करता है, ठीक है। अब इसको जब मैनेजमेंट के लिए, मीन्स अगर यहाँ पे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं रिसीवर और सेंडर के बीच में, तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं दो टाइप होते हैं, एक तो नॉइज लेस चैनल के लिए और दूसरा नॉइजी चैनल के लिए। नॉइज लेस चैनल का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी डेटा कोलिजन का, डेटा डुप्लीकेशन का या डेटा करप्शन का कोई भी चांस नहीं है, एक तरह से आइडियल चैनल है। अगर आइडियल चैनल है यहाँ पे डेटा करप्ट होने के, कोलिजन होने का कोई चांसेस नहीं है। ऐसे नेटवर्क, ऐसे अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में मुझे डेटा सेंड करना है सेंडर टू रिसीवर, तो हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं, नॉइज लेस। अगर यहाँ पे नॉइजी चैनल है, नॉइजी चैनल मतलब कि यहाँ पे डेटा का डिस्ट्रॉय हो सकता है, कोलिजन हो सकता है या फिर उसका डुप्लीकेशन हो सकता है, तो इस टाइम हम यूज़ करते हैं कौन सा, नॉइजी चैनल प्रोटोकॉल। कौन कौन से प्रोटोकॉल है, नॉइज लेस चैनल में सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल्स आता है, दूसरा आता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस प्रोटोकॉल की क्या मीनिंग है और प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। इसी तरह से अगर नॉइजी चैनल की बात करें तो नॉइजी चैनल पे अगर ये चैनल नॉइजी है तो उस टाइम आपका जो पहला प्रोटोकॉल्स होता है स्टॉप एंड वेट, ARQ मीन्स ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, एंड सेकेंड है गो बैक एंड ARQ,
और थर्ड सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तो ये तीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जनरली आपका जो चैनल होता है ज़्यादातर नॉइजी चैनल ही होते हैं जहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन होता है, तो वहाँ पे ये तीनों इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल आपके आते हैं और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो स्टाफ गो बैक एंड ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट टेलीकास्ट, इसको हम एक और नाम से जानते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। मतलब कहीं पे आपके एग्जाम में पूछ दिया कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स क्या है, तो आपको इन दोनों को डिफाइन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फ्लो कंट्रोल का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नॉइजी चैनल के बारे में, जिसमें सिंपलेस्ट और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।